बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों और साथियों, आप सबको दुबई में खुश आमदीद। रात को लेट नाइट फंक्शन ओमान से ख़त्म करके हम लोग पहुंचे थे दुबई में। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टेटस अपडेट किया था कि आपको थोड़ी देर में उस्ताद बदर बिन सैफान की छत से शो करवाएंगे। उस्ताद बदर बिन सैफान, इनका ताल्लुक उस्ताद प्रोफेसर बकीत अतीका रुमेथी पार्टी और शागिर्द हैं उस्ताद अहमद अल खुमेरी के। उस्ताद बदर ने ना सिर्फ ये हालिया सीज़न बल्कि इससे पहले भी पिछले 3-4-5 सालों में दुबई के अंदर और पूरे इमारात में माशाल्लाह से कई दफ़ा चैंपियन परफॉर्मेंस दी है, चैंपियन बने हैं। इसके अलावा भी 1-to-1 मुकाबले भी अभी इन्होंने पाकिस्तान की लेवल पे जाके तय किए हैं। पाकिस्तान में इनके मुकाबले यहाँ से दुबई से उड़ेंगे, तो वो भी इनसे पूछेंगे इंशाल्लाह। और परफॉर्मेंस के हवाले से भी इनसे पूछेंगे कि कैसी रही खसूसी तौर पे 2023 में। तो बिला तखीर चलेंगे उस्ताद बदर बिन सैफान की तरफ। मैं कैमरा लेके चलता हूँ और थोड़ी सी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। सलाम अमर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये जी उस्ताद बदर बिन सैफान हमारे सामने मौजूद हैं। तो उस्ताद जी, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आज आपने सारा दिन इधर टाइम दिया। और दूसरा, हमें थोड़ा सा बताएं, ख़ास तौर पे ये जो 2023 का सीज़न गुजरा है, कैसा रहा आपका ये सीज़न? पहले से आपका बहुत मेहरबानी अमर भाई। अब आया हम लोग का पास शौक का देखना है, और माशाल्लाह में 2023 में शौक में बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत इनाम हासिल किया है। टूर्नामेंट में 10वां महीना है, 80 है, और मैं खलीज कप में और इमारात दुबई शारजा जमान बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया है। और लगातार में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब में हमारा टीम है और हमारा सब लोग भाई है, और उस्ताद अहमद चलबीस है, उस्ताद खालिद है, सब यानी ये हम लोग का छत के अंदर कारगरी है और कामयाब अल्लाह का तरफ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हासिल किया है। और मैं खलीज कप में हम लोग का 4th नंबर आया और आखिरी कबूतर में 12 बजे टेम ओवर हो गया, और मैं दुबई शारजा जमान में मिल गया, वहीं 3rd नंबर आ गया। दुबई का शारजा जमान में मिल गया, पहले नंबर आया हासिल किया, और मैं लगातार में अल्हम्दुलिल्लाह 2rd नंबर मिल गया है। 3 दिन में बहुत अच्छा वरान में शाम अल्लाह का शुक्र में रात तक 8 बजे से कबूतर में बेहतर है और शौक अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अमर भाई। और उस्ताद में अमर उस्ताद अहमद खुमेरी है, और मैं शौक के अंदर बहुत उसका फजल है। उस्ताद प्रोफेसर सईद खुमेरी है और उस्ताद अहमद है और उस्ताद बकीत है, हम लोग का पार्टी का सरपरा है। और अल्लाह का शुक्र में सब यानी का मेहनत में कत्ता में टीम से है और पार्टी में है, वो लोग का फजल में अल्लाह का शुक्र में हम लोग आगे निकले हैं। ये थोड़ा अरबी में भी इसका, चूंकि आपको उर्दू थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो यही मैं चाहूंगा कि आप अरबी में ही थोड़ा बता दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, अख़वान इशहालकुम असाकुम तैयबीन। عامر سألني بخصوص 2023 شو الانجازات اللي سويتوها؟ الحمد لله يعني من شهر 10 بدينا في 2023 طيرنا مطير وايد زين، حصلنا الحمد لله على الفوز اللي حصلناه على المراكز الاولى في شهر 10 وفي لقاطار المركز الثاني وكاس الخليج مركز سادس، وعندنا طير عدتين يعني الحمد لله، يعني شيء اذكره وشيء ما اذكره يعني الانجازات اللي حصلناها. واخر شهر 6 السنه الحمد لله طيرنا وايد زين، سوينا 384 ساعة، يعني كانت يعني تحدي قوي جدا يعني في الشوك، وما حد يعني ناقص من حد، ما شاء الله الشباب كلهم يسوون شوك طيب. وهذا كله وفضل بدر بن سيفان في الشوك، فضل استادي استاذ احمد خميري واستاذ سعيد الخميري وبروفيسور بخيت الرميثي يعني مسؤول الفريق، والحمد لله رب العالمين يعني ماشيين في الشوك، وهذا كله بركات الفريق يعني الحمد لله. اچھا بھی آپ کا ये कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी बाजी लगा है, उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया भाई उनकी 3 छतें हैं और आप इधर से और वो उधर से कबूतर उड़ाएंगे, वो बाजी के बारे में थोड़ा बताएं। वो अमर भाई में बाजी है वो यानी प्यार मोहब्बत से शो करना है
सही है, कोई मुकाबला नहीं है, वो मुकाबला नहीं है। हम लोग ऐसे ही यानी एक भाई भाई से शोक हो गया, कोई ऐसा बात नहीं है जो बड़ा बात नहीं है शोक में, यानी कि पक्का शोक है, बाजी है, ऐसा प्यार मोहब्बत से हम लोग एक कब उड़ाना है, बाजी लगाना है। ठीक है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह ये कामयाबी दे सबको। जी जी, और अमर भाई में बाद में हम लोग का कब बना दिया जी, तीन छत पाकिस्तान उड़ रहा है और तीन छत में दुबई से उड़ रहा है, एक हमारा औलाद का छत दुबई के अंदर है, एक इधर मुलगे हुए हमारा छत है, और मैं उस्ताद अहमद नूनी एक छत है, तीन छत है इधर से उधर, तीन छत में हम लोग में इनाम रखा है, यानी का शौक के लिए करना है। और बाजी का वो बाजी का यानी का बात नहीं है, वो ऐसा में आदमी का शौक देखना मानता है, ठीक, कैसा पाकिस्तान का साथ चल रहा है, मैं और जीत हार में नसीब है, बस ये बात है। बिल्कुल सही है। नहीं जी, ये थोड़ा सा बदर भाई के साथ गपशप लगा रहे थे, अभी चूंकि थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा है तो आपको इनके कुछ मैं कबूतरों का भी शौक कराऊंगा। बदर भाई आज कबूतर कौन से दिखाने हैं, जरा थोड़ा सा बता दें। देखिए ना, मैं जेत में कौन बेटा, मैं 7:50 में, अच्छा, और हम लोग का पार्टी नाम है फकीर गुल में उस्ताद वाला कबूतर दिखाया है, हाँ, और कुछ उड़ान वाला का जेत में कौन अच्छा उड़ गया हम लोग का पास नहीं दिखाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये जी उस्ताद अहमद चलबीस, ये भी माशाल्लाह वन एंड ओनली, ये भी शागिर्द है उस्ताद अहमद के, तो कैसा शौक जा रहा है उस्ताद जी? अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम अलैकुम पूरा भाई लोग को। हमारा शौक जो है पहले अल्लाह के फजल से, और हमारा सरबरा जो है उस्ताद मुखीत रमेशी का, और उस्ताद मोनस, और उस्ताद अहमद, और प्रोफेसर सईद खमेरी, और उसका भाई बुसाले। हम लोग एक आदमी नहीं, हम लोग टीम वर्क है, हम लोग सब साथ में शौक करते हैं, और ये शौक एक आदमी का नहीं है, और अल्लाह पाक जो हम लोग को इज्जत दिया, ये सबसे बड़ा फजल अल्लाह पाक और हमारा उस्ताद लोग का है, जो हम लोग को सिखाया और हम लोग को ये शौक के अंदर आगे किया हुआ है। हम अल्लाह से मानते हैं कि हमारा उस्ताद लोग और हमारा भाई लोग और जितना हमारा टीम के अंदर है, अल्लाह पाक ये लोग को ऐसे ही कामयाबी और आगे करें इंशाल्लाह। और हमारा बहुत खुशी हो गया कि उस्ताद जी आप आया हुए और आपका टीम इधर दिया हमारा साथ, बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत आपका मेहरबानी है, और सबसे बड़ा मेहरबानी है हमारा टीम वर्क है, जो हमारा साथ काम करते है, उस्ताद खालिद है, फरहान भाई है, और मोहम्मद अजीम है, और मोहसिन भाई है, ये फरहान मेरा शागिर्द है। हमको बहुत बहुत खुशी है कि ये लोग हमारा साथ, जब ये लोग इधर छत में है, हम नहीं सोचते काम इधर ही है या नहीं है, क्यों ये लोग दिल से काम करते हैं, नहीं कि एक वर्क का समझते हैं, ये हमारा टीम वाला आदमी है, और अल्लाह पाक ये लोग को सब सेहत और तंदुरुस्ती दे इंशाल्लाह। ये जी मोहसिन भाई हैं, ये भी यहाँ पे छत पे ही होते हैं, ये उस्ताद अब्दुल मेमन ओमान, ये शागिर्द है जी उस्ताद बदर बिन सैफान के। बिल्कुल बोले कुछ। السلام عليكم اخواني، كيف الحال؟ كيف صحتكم؟ بخير؟ ان شاء الله اليوم عند اخونا واستاذنا استاذ بدر بن سيفان واستاذ احمد جلبيس، نتعلم منهم الشوق، وهم يرفعوا مستوانا ويعلمونا جزل كل الفريق، استاذ احمد الخميري، بروفيسور بقيت، بروفيسور استاذ سعيد الخميري، لهم جزيل الشكر، ما قصروا معنا ولا مع اخواننا الجميع. وهالبارتي ما شاء الله تيم متكامل، والله يوفق الجميع ان شاء الله هالشوق. ان شاء الله على السيزون الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. يجي ما ابو دكارات موسم بايين. मोहम्मद अजीम भाई हैं, और ये फरहान है उस्ताद बदर, सैयद फरहान उस्ताद बदर के शागिर्द, ये उस्ताद बदर के शागिर्द भी हैं, और ये उस्ताद खालिद, उस्ताद खालिद उस्ताद शाकर के शागिर्द है, उस्ताद शाकर के शागिर्द है, और ये अहमद बिन सैफान जो उस्ताद बदर का बच्चा है और उसका शागिर्द है। हाँ माशाल्लाह। अभी उर्दू नहीं मालूम? उर्दू मालूम है, थोड़ा थोड़ा मालूम आता है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई लोग कैसे हैं? हाँ अभी माशाल्लाह उर्दू सीखेगा लाजम। अच्छा जी उस्ताद जी चलेंगे शौक की तरफ, ये कौन सा कबूतर? फकीर गुल है, मेन है उस्ताद, हमारा उस्ताद का कबूतर है। ये जी फकीर गुल शौक करें, देखें, और ये हमारा, और बताएं कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। आ रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा कबूतर है। ये जी, और ये कबूतर माशाल्लाह लाजम हमारा पूरा कबूतरों के अंदर होना मानते है, ये इसका खून। हाँ इसका पार एक दफा फिर दिखा दें सर।
ठीक भाई माशाल्लाह जी। और ये कबूतर जो है आमिर भाई जी 38 नंबर है, 38 नंबर बिल्कुल। ये कबूतर जो है जेठ में छवा महीना एक दिन का काप 7:50 अंधेरा में बेचा हुआ है। ये जी जेठ कप में 7:50 शाम का टाइम है इसका, ये खुद उड़ा हुआ है। और जेठ में यहाँ पे दुबई में कौन सी गर्मी होती है ये सब लोग जानते हैं। ये कबूतर माशाल्लाह का नाम भी यही उठाया हुआ है, ये भी इसको ऊपर काट दिए हैं बिल्कुल। ये कबूतर जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, और कितने परतों में ये शाम बेता हुआ है। ये इसके पंजे दिखाएं, ये कौन सा ब्लड है उस्ताद जी? ये हमारा जो फकीर गुल है जी, ये फकीर गुल खून। और एक उस्ताद के घर से एक माजी लाया हुआ था, उसका साथ लगाया के उस्ताद सईद अल खमेरी के घर से जी, वो इसका साथ लगा के ये बच्चा निकला। हम लोग कबूतर क्रॉस किया और बनाया। और ये कबूतर अमर भाई बाद में जेठ के अंदर शाम देखे गए, ये भी 7:50 बेटा, ये भी 7:50 बिल्कुल दूसरा दिन वो 7:50 ये बेटा है। ये फकीरगोर और शर्मिला का क्रास। ये दिखाओ उसका, ये हमारा बड़ा कबूतर जो अभी लाया नर नहीं है। ये जी ब्लड लाइन का बता रहे हैं आप, साथ साथ कमेंट्स में आ रहा है जी ब्लड लाइन, तो ये साथ साथ आपको बताया जा रहा है। शर्मिला और फकीर गुल, शर्मिला फकीर गुल क्रास, इसकी भी 7:50 की माशाल्लाह। पहले दिन वो बैठा, दूसरे दिन ये 7:50 जेठ में 7:50 ये बैठा हुआ जी अहमद भाई। और ये कबूतर जो है हमारा खाकी जो उस्ताद बदर ये जोरा लगाया हुआ है, और इसका रिजल्ट जो है बहुत बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये खुद भी उड़ा हुआ था तकरीबन 3 कबों में 6 बजे के बाद बेटा। अच्छा। जब बच्चा था फिर हम लोग इसका रोका जोरा में रखा। ये कबूतर जो है इधर से ये लाइट दिखाएगी, ये आंख है उसका माशाल्लाह। ये कबूतर जिधर भी डालेगा माशाल्लाह उसका उड़ान बहुत है जबरदस्त। पर दिखाओ, ये उसका पर है देखो माशाल्लाह। और ये उसका पंजा है माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ये बहुत बहुत हमारा अच्छा कबूतर है वाकई जबरदस्त जी बदर भाई। ये अमर भाई मैं जेतपुर आया 4 दिन। अच्छा। ये कबूतर हम नाम रखेगा दिलवाला, दिल वाला। पहले से वो तस्वीर हम भेजा आपके लिए, वो लगा हुआ पोस्टर में लगाया। ये कबूतर 4 ओवरों का 3-4 बजे के बाद डेली डेली जेठ माशाल्लाह। ये देखे जी, ये इसकी भी ब्लड लाइन के मतलब बताएं थोड़ा। ये सब क्रॉस मेरा पास कबूतर बनाया ये ओवरों के अंदर। ये जो बाप है उस्ताद से घर से आया हुआ है, जो माँ है उस्ताद बदर घर से पुराना कबूतर है, वो क्रॉस किया हुआ है ये निकला हुआ है। ये उसका नाम रखा हुआ है दिल वाला, दिल वाला। और ये वाकई दिल वाला है, हम लोग कबों में उसको उड़ाते हैं। हमारा कबूतर सब उस्ताद वाला है जी, यानी बाहर से हमारा पुराना कबूतर और उस्ताद वाला का मिल के क्रॉस बनाया है। ये कबूतर सब बन गया है माशा, कुछ बीच में क्रॉस है इसे। और ये स्पाइडरमैन लाका है, स्पाइडरमैन लाका अपना वाला है। ये 12 मामा का उसका दादी में शर्मिल्ला के अंदर है। अच्छा। हम कबूतर घुमाया ये बनाया 4 ओवरों से 3 बजे के पहले नहीं आया ये कबूतर। ये जी देखें जी शर्मिले और ये लाके क्रॉस है। हाँ क्लियर है, सब में हम काता किया है कबूतर में जेत वाला ये। अजीम भाई थोड़ा आप आगे 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 खड़े हो जाओ ऐसे, ये उसका बनता है। जी अमर भाई, जी अमर भाई ये कबूतर जो है ये हमारा बहुत
अच्छा कबूतर है, यानी ये कमंगरों में जो उस्ताद सईद के घर से आया हुआ। अच्छा, वाकई उस्ताद सईद मेरे को बोला ये किधर भी लगाएगा, ये उसका बच्चा है, माजी भी आपको दिखाएगा, बोला ये किधर भी लगाएगा आपको रिजल्ट वही आएगा। ये भी क्रास में, कौन कौन सा क्रास? ये क्रास में बा का शर्मिल्ला है। अच्छा, माँ का वो कमंगर है। ठीक, हाँ ये भी है जी। ये देखो उसका उड़ान माशाल्लाह बहुत है। ये रखा हुआ है उस्ताद बदर, नहीं बोला, बोला मेरे के लिए ये नहीं उड़ा, जीत के लिए रखना है। मैं दसवा महीना मंत्र था पर किंचे का, ये नहीं बेच रहा था, यानी 7 बजे 8 बजे का करीब बेच रहा था, बेच जाता था घर में, मगर उस्ताद बोला कि मौसम अभी थोड़ा हल्का हो जाएगा दसवा महीना, उसका रोकना है 6वां महीने के लिए इंशाल्लाह। ये अगला साल अगर अल्लाह उम्र दिया, सब भाई लोग ये देखे शक्ल, ये उसका पैर देखे, ये नंबर है ये कबूतर का, अल्लाह के फजल से हमारा उम्मीद है ये कबूतर इंशाल्लाह जेत में बाजियों में आएगा इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा छत भी दिखाऊं उतनी देर में कबूतर। आप बैठो, आप लोग बैठो, बैठो बैठो आप लोग। ये उस्ताद बदर की छत है जी, माशाल्लाह दुबई में ये बहुत बड़ा माशाल्लाह इनका सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत बड़े छत बहुत बड़ी है। और ये साथ ही ब्रीडिंग का सेटअप है। और ले आओ दो तीन। ये अमर भाई में वो कबूतर उस हमें चलिए दिखाया, बोलेगा जेत उड़ाया कमंगर से। हाँ हाँ, ये इसका माँ है। ठीक है, ये उसका माँ कमंगर में हम शर्मिल्ला के साथ क्रॉस किए हैं। ये जी जो अभी आपको मादी दिखा रहे थे, हाँ ये उसकी माँ है। बोला बाजियों में आएगा, ये उस्ताद सईद खुमेरी उन्होंने गिफ्ट की हुई है। ये मादी, ये पा रहे जी इसके, और ये दूसरा पर है। अच्छा, यानी कबूतर में माशाल्लाह बहुत अच्छा है कबूतर। अभी शर्मिल्ला भी दिखाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह प्योर शर्मिल्ला है। ये हमारे सब जोरा का जगह है। हाँ दिखा रहा था मैं, हमारा सबसे बड़ा जो फजल है जी। ये उस्ताद लोग जो हमको सिखाया, वाकई हम पहले नहीं सोचता था कि हम सकते जेत में इतना कबूतर उड़ाएगा, हमारा सोच में नहीं था, मगर जब हम लोग उस्ताद सईद और उस्ताद अहमद और उसका भाई में साथ बैठा, वाकई हमको यही सबसे बड़ा खुशी है कि हम भी जेत में हम सकते हैं कबूतर उड़ाएगा, ये हमारा बहुत खुशी है और ये लोग से बहुत बहुत मेहरबानी है जी सर। ये अमर भाई 12 नर शर्मिल्ला प्योर है। ये प्योर शर्मिल्ला में सब जी। कितना शर्मिल्ला मेरे पास उसका औलाद में हमें क्रॉस करे। ये चेक करें जी आप, ये शर्मिल्ले की आंख देखें। सर साला एक दो बच्चा भी लेके आया शर्मिल्ले बच्चे जो कटे ये सब हम बच्चों उसका कट करेगा। आगे जोरा के लिए हम डाला और आधा मेरा जोरा का उसका खून अंदर घुसाया, हम घुमाया ये। बहुत बड़ा उम्र से, यानी का 12-13 साल का उम्र का ऊपर है। अच्छा, ये हमारा मेन और बड़ा कबूतर है। सब कितना शर्मिल्ला में ये इसमें से हम बनाया अभी पूरा। अच्छा अच्छा, माती भी दिखाएगा कि बस बस ये चाहिए उसका। जी उस्ताद जी आप बोल रहे थे कुछ। हम बोलते थे ये हमारा बहुत फख्र है जो हमारा छत, हमारा आदमी किधर भी अभी माशाल्लाह उस्ताद सईद से
जो हम लोग सिक्का किधर भी बेचेगा हम लोग सकता है उड़ाएगा कबूतर का। अभी हमारा बदर भाई है या हम है या कोई भी है अपना पार्टी, माशाल्लाह किधर भी सकते है जेत हमारा पार्टी सकते है कबूतर उड़ाएगा। ये हम उस्ताद सईद और उस्ताद अहमद और उस्ताद प्रोफेसर मुखीत और उस्ताद मोना हमारा सबसे दिल वाला आदमी, हम ये लोग को बहुत बहुत मेहरबानी है जो हमको सिखाया और हम लोग इतना आगे हो गया ये शौक में। क्यों ये शौक ये लोग के फजल से और अल्लाह के फजल से पहले और ये लोग के फजल से जो हम लोग को आगे किया हुआ है। और ये कबूतर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये कबूतर हमारा मेन है, 205 कबूतर नंबर है जी। जो हम लोग बोलते हैं 205 ये है उस्ताद सईद के घर से आया हुआ है, उसका बाप जो है और माँ जो है ये भी अपना पुराना कबूतर है जो बदर का उस्ताद बदर के घर से और उसका साथ क्रॉस किया हुआ है, ये बच्चा निकला हुआ है। ये माशाल्लाह कितना उसका भाई लोग है, ये माशाल्लाह शाम शाम उड़ता है। ये साल हम लोग नहीं उड़ाया है, ये उसका भाई है, देखो ये दोनों, ये हम लोग कभी नहीं उड़ाया, जो उड़ाया वो ठंडी का कबूतर था जो ये जेद में गुजर गया, ये छत से हम लोग उड़ाया। अभी इंशाल्लाह अगला जेद में ये लोग उड़ेगा इंशाल्लाह। सब करता है जेद के लिए। जबरदस्त। आजकल शौक इतना आगे हो गया हुआ है कि हम लाजम ऐसा कबूतर बनाना है। हम लोग भी ऐसा कबूतर बनाया है कि इंशाल्लाह अगला साल के लिए उड़ान अच्छा हो जाएगा। हम नहीं बोलेगा जीत और हाथ तो अल्लाह का हाथ में। बिल्कुल ऐसे जी। उसका जो शर्मिल्ला काला वाला है जी, ये उसका पत्ता है, पट्टा है उसका, पत्ता है। सब हम ये बनाएगा आगे भी जोरा के लिए क्रॉस कर रहा है, उसका पत्ता है, ये साल वाले का पत्ता है। उसका बहुत बेन भाई जोरा के अंदर है। ठीक है। 205 जी उस्ताद। अभी इंशाल्लाह आप लोग के लिए एक कबूतर दिखाएगा जो हम लोग जेत में उड़ाया और वो माशाल्लाह 6 बजे एक दिन बेटा एक दिन टेम ओवर किया। वो आप लोग को दिखाएगा जो वो बाबा बदर बोला कि हम उसको ये कौन है, हाँ ये हमारा 40 नंबर कबूतर है। अच्छा। जो जेद में उड़ाया ये पहले बच्चा था। ये चार आंख दिखाओ इसका जरा, आंख देखेगा। ये चार कली का बच्चा था, हम लोग वो टेम उड़ाया उसको, यानी पर किंचा उसको उड़ाया। ये वो टेम बच्चा था, इतना प्रत नहीं था। इंशाल्लाह अभी ये साल ये बड़ा कबूतर बन गया। ये उसका पर है माशाल्लाह और ये उसका पंजा है। ये इंशाल्लाह ये साल इंशाल्लाह और शानदार करेगा ये कबूतर। अभी आपको इंशाल्लाह उस्ताद जी एक कबूतर दिखाएगा जो खुद उड़ाया है और वो रखा है उस्ताद बदर लाया इधर, बोला ये जोरा रखेगा। अच्छा वो ये वालेकुम सलाम बिलाल भाई, नहीं ये वो नहीं वो लाएगा अभी, वो दोनों 205 भी दिखाया है जी। हमारा घर वाला कबूतर उस्ताद सईद का साथ क्रॉस किया है जी। ये 12 बाप है उसका, बड़ा बाप ये 12 बाप है। ये खुद ही घर का बच्चा है और खुद ही कबूतर घर वाला है। ये छोड़े जरा उसको छोड़, ये मेन हमारा वाला 205 जी। ये कबूतर यानी आपका वीडियो खतामियत वाला ये चल रहा है ये कबूतर। हाँ बिल्कुल बच्चे जो ये कबूतर ऐसे दिखाओ जरा जी, पूरा 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 जरा देखेंगे पकड़ के ऐसे। ओह
جی سچ جی یہ وہی کبوتر ہے 207 لمبر جو ہم لوگ جیت میں اڑایا یہ ماشاء اللہ تین دن مجھے دے ذرا میں اس کی آنکھ دکھاؤں تین دن یہ شام بیٹا آخری دن یہ رہ گیا شام رات بار رہ گیا اور یہ ابھی جورا میں رکھا اس کا بچہ ماشاء اللہ آج یہ ابھی تقریباً 20-30 دن پہلے اس کا بچہ بھی شام بیچ رہا ہے اچھا یہ ہمارا بہت اچھا کبوتر ہے جو بدر بن سیفان یہ بولا میں نہیں اڑائے گا اور یہ جورا میں رکھے گا واقعی یہ کبوتر جورا کا لائق ہے اور یہ اس کا پنجہ ہے جو کبوتر کے ماشاء اللہ یہ پورا شکل ہے واقعی یہ کبوتر بہت یعنی اس کا اڑان بہت ہے ابھی اس کو بچہ بھی دکھائے گا جو آج کل ماشاء اللہ وہ بھی شام کر رہے ہیں یہ ہم بولا جورا لے کے جاؤ جورا لگا وہ ان شاء اللہ بچہ بہت ہو رہا تھا یہ اس کا بچہ ہے پہلے بچہ نکالا وہ 5 بجے کے بعد بیت رہا یہ اس کا بچہ پہلے دن نکالا اور اڑایا 5 بجے کے بعد بیتا ہوا یہ ماشاء اللہ دیکھو آج کل ابھی کتنا کلی ہے 4 کلی کا بچہ ہے ماشاء اللہ یہ بچہ شام بہتر ہے یہ پہلے دنوں میں بہتر ہے ابھی ہم لوگ اس کو رکا ہوا ہے ڈوڈ ہو گیا جی استاد جی یہ عامر بھائی میں جیت اڑایا ہے یہ اڑا بہت اڑتا جیت میں اندر یہ ہم جیت والا کبوتر کٹ کر رہا پورا یہ جی دوستو آپ کو دکھایا کچھ کبوتروں کا شوق کروایا آپ کو میں تھوڑا اندر جاتا ہوں میں تھوڑا اندر جا کے انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں ادھر سے جائے گا اندر عامر بھائی جی یہ جی ایک بات بولنے جی بولے میں پھر دکھاتا ہوں سعید خمیری کا پروفیسر سعید جی جی اس سے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہ واقعی میرے کو اتنا سکھایا کہ ہمارا سب کے سامنے ہمارا سر اوپر کیا ہوا اس کو ہم شکر گزار ہیں استاد زبردست ہاں جی یہ جوڑا والا کبوتر ہے جی یہ جوڑے لگے ہوئے ہیں یہ بھی ہیں سب کابکوں میں جوڑے لگے ہوئے ہیں ساتھ والے میں بھی ہے نا اس طرف ہاں یہ ابھی آپ کو اور دکھاتے ہیں اور ٹھیک ہے یہ عامر بھائی نے کلی نر ماضی پتی پتا تھا ہاں چالو کرو یہ ابھی چھوڑے ہوئے ہیں ہاں چھوڑا ہے کچھ وہ نسل والا کے لیے کبوتر کٹ کے لیے رکھے گا کچھ اسٹور نر والا ہے یہ سب پتی پتا گھر والا کا یہ تین یہ سب گھر کے پٹھی پٹھے ہیں جی ماشاء اللہ بڑی آگے ابھی آگے پھر ان کے جوڑے لگے ہیں کچھ اور جوڑے جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ بھی جی یہ بھی جوڑے لگے ہوئے ہیں سب کے اندر
जोड़े लगे हुए हैं। इधर भी कुछ पड़े हुए हैं, ये सब मावी जोरा वाला इधर से स्पेयर रखा इधर और वो कुछ खाली उधर है। तभी जोरा में हमने 3-4 महीना का जोरा लगाया जी, बात पर हमने जोरा तोड़ेगा, ब्रीदिंग नहीं करेगा। अच्छा, गर्मी मौसम बिल्कुल ब्रीद नहीं करेगा। ये इतनी तादाद में हमने जोड़े लगाए हैं और सेहतमंद कबूतर हैं, इसकी वजह क्या है ये बताएं जरा। ये कबूतर सब में हम वो चेक करते हैं कौन फाइनल मेरा पास अच्छा उड़ेगा और हमारा काम करता है जी। वो हम जोड़ा लगाया, नहीं जोड़ा लगा लिया। हाँ, इनको सेहतमंद भी तो रखना है ना। ये अभी जोड़े में देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़े सेहत में है। हाँ, लाजम में अच्छा खान दाना देते हैं और मैं दवाई में हर 2 महीने का कोर्स में हम खुद ही मिक्सिंग करेगा, 8-9 बीमारी से मिक्सिंग करेगा, कत्ता देगा हर 2 महीने का, 5 दिन में लगातार देना है। और दूसरा जो अभी आप बता रहे थे कि 3 महीने के बाद जोड़ा खत्म, हम खत्म है, यानी का 3 महीने के अंदर ऐसा हम निकलेगा 800-900 बच्चों साथ बस तोड़ेगा जोड़ा पूरा। पूरा सीजन में गर्मी मौसम रस्ते अगले 10वां महीने हमने जोड़ा लगाया और मैं 3रा महीना 4था महीना जोड़ा तोड़ेगा, बस ज्यादा नहीं रखेगा, क्यों मैं गर्मी बहुत इधर है 50 तक टेम्परेचर में कबूतर में बच्चों पालता में कमजोर बच्चों निकलते हैं, यानी का वरान का काबिल ही नहीं होता। बिल्कुल सही है, लाजम बच्चों में निकलेगा ठंडा मौसम के अंदर में ना, उसका सेहतमंद है बहुत, और मैं कभी और आएगा आपका पता हो जाएगा बच्चों में उसका सेहत अच्छा है। हाँ चले जी दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा था ब्रीडिंग वाले भी आपको सेटअप दिखा दिया, उड़ने वाले मैंने जाल आपको दिखा दिए। तो ये था जी उस्ताद बदर बिन सैफान से माशाल्लाह बड़ी अच्छी गपशप। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी आपके देखने का, आपके टाइम देने का। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे किसी और छत से, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।